गिरिराज महाराज की जैसे गुरुदेव की टाइगर हरे कृष्णा। क्या देखो ये जो रोड है ना, ये जो रोड है, ये रोड का नाम है जो रोड का नाम है सातासन रोड। क्या नाम है? सातासन रोड। और इसका नाम सातासन रोड नाम क्यों पड़ा? माइक किसको पास में? सब किसको पास में माइक है? माइक पागल हो। हरे कृष्ण। कहती ये सातासन रोड है, सातासन। ओके अभी चौदोवन हरे कृष्णा हरि ओम गुड चाइनीज की हरि कथा जी हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ ये रोड का नाम है सातासन रोड। सातासन मतलब होता है इसी रोड में सात ऋषि लोग इसी रोड में भजन करते थे। बड़े बड़े ऋषि लोग सत्य युग से सात ऋषि इसी रोड में भजन करते थे। और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु भी हैं। चैतन्य महाप्रभु भी ये पास में एक रोड है जिसका नाम गौड़ बाटा साई। गौड़ मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु, बाट मतलब होता है रास्ता हैं। चैतन्य महाप्रभु रहते थे गंभीरा में और रोज महाप्रभु स्नान करने के लिए आते थे समुद्र में। इसलिए महाप्रभु रोज आते थे और जाते थे हैं इसी रोड में। इसलिए रोड का नाम है गौरव बाटा साही। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रोड में आते जाते थे। और अक्सर करके श्री चैतन्य महाप्रभु का जितने भक्त हैं इसी रोड में रहे। महाप्रभु का जितने सारे भक्त अक्सर करके इसी रोड में महाप्रभु का सब भक्त महाप्रभु का भक्त इसी रोड में रहते थे। बोले कौन कौन रहते थे? देखो एक है श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कोठी इसी रोड में है। दूसरे है श्री ब्रह्मानंद भारती। ये कौन है? कहते महाप्रभु का संन्यास, महाप्रभु का समय में ये संन्यास है। दूसरे कौन है? बोले श्री छोटे हरिदास ठाकुर। इसी रोड में छोटे हरिदास ठाकुर रहते थे। बोले चौथे में श्री जगदानंद पंडित इसी रोड में रहते थे। बोले पंचवा में श्री स्वर्गदास इसी रोड में रहते। हम जाएंगे सब दर्शन करेंगे बोले दर्शन करेंगे। स्वर्गदास जाते थे। और कौन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसी रोड में। श्री रघुनाथ दास तुम की कर सो कि कुछ की देख सो तुम फोटो नहीं वाले समय नीले ना जेखन निवेन दिवेन ना सेखन निवेन जेखन नीते दिवेन सेखने फोटो निवेन ना हरे कृष्ण। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। और कौन थे इसमें? मेरे गुरुदेव भी इसमें भजन करते थे। और इसी रोड में श्री शंकराचार्य जिसने हमारे सनातन धर्म को पहले सबके सब बौद्धवादी हो गए थे। बौद्ध मतलब होता है जो लोग भगवान को निराकार कहते शून्य से आए और जीव लास्ट में शून्य में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको जो बाद है फिलोसफी शून्यवाद जीरो है। इसलिए श्री भगवान स्वयं कृष्ण ने श्री शंकराचार्य को बुलाए। बोले देखो अभी लोग जिस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं सब शून्य से आए शून्य से खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत गंदा पथ है। तुम जाकर के इसको ब्रह्मवाद में परिवर्तन करो है। उनको बोलो नहीं कैसे? अरे तुम ही तो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म है। तत्व मसी तुम वही हो। सर्पम खलीदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है।
इसलिए जा कर जी उनको बताओ, अरे बोल रहे भगवान नहीं तुम तो भगवान हो। अगर किसको बोलते भैया तुम भगवान हो, खुश हो जाए नहीं मैं भगवान, क्योंकि अगर इनको डायरेक्ट अगर बोलते तुम भगवान का दास है, बोले दास कोई बनना चाहते, नौकर कोई बनना चाहते नहीं, अगर इनको जाकर बोले हुए तुम ही ब्रह्म हो, वो खुश हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने शून्यवाद से उन्होंने ब्रह्मवाद को लाए, फिर उन्होंने फिर उसको बाद में रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क, फिर उन्होंने ये चार वैष्णवों को बुला करके फिर उन्होंने ये भक्ति वैष्णव फिलोसफी का प्रचार किए। अगर ये शंकराचार्य नहीं होते ना, हमारे जो सनातन धर्म सबके सब खत्म हो जाता। इसलिए इन्होंने शंकराचार्य स्वयं सी उन्होंने चार ही धाम में चार ही मठ उन्होंने स्थापन किया, चार ही धाम में उन्होंने चार ही मठ को स्थापन किया और पुरी में गोवर्धन मठ स्थापन किया। बोले कहाँ यही पर इसी रोड में वो कोड़े में, हम उधर से होते हुए आए, वो कोड़े में श्री शंकराचार्य का गोवर्धन मठ उन्होंने यही पर स्थापन किया। इसलिए श्री महाप्रभु के जो परिकरों में जो सात जो महाप्रभु का जो परिकर है कहते इसी रोड में भजन किया है, इसलिए ये रोड का नाम भी सातासन रोड, सात आसन मतलब सात बड़े बड़े महाप्रभु का भक्त भी, और सत्य युग में भी बड़े बड़े सात बड़े बड़े महापुरुष लोग भजन किया करते थे, इसलिए ये रोड का नाम सातासन रोड, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रोड में आते जाते क्या करते थे, महाप्रभु हरिदास ठाकुर स्वरूप दामोदर, इसलिए ये जो स्थान है, इसलिए मेरे गुरुदेव ने उन्होंने देखा गौड़ीय मठ कहाँ स्थापन करे, गौड़ीय मठ को कहाँ पर स्थापन करे, इसलिए हमारे गुरुदेव ये मठ को उन्होंने बनाया। और ये मठ मेरा जन्म स्थान है, क्या है मेरा ये जन्म स्थान है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले मैं यहीं पर आया हूँ, यहीं पर सबसे पहले आया हूँ और यहीं पर मैंने ये मंदिर साफ करना, ठाकुर जी के लिए माला बनाना, ठाकुर जी की बर्तन साफ करना मैंने इसी मठ में, और हरि कथा बोलना, और मैं मेरे गुरुदेव सबसे पहले मेरे को बोले ये नाट मंदिर को रोज साफ करो, और मैं कैसे श्लोक याद करता था, देखो उसमें महाप्रभु का शिक्षाष्टक उद्धरण लिखा हुआ, चेत दर्पण मार्जन भव महाधावा निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका, मैं यहाँ पर मंदिर में ना ये मंदिर को साफ करता था, ये मंदिर को साफ करता था, बोलता था चेत दर्पण मार्जनम भव महाधावा निर्वापनम चेत दर्पण मार्जनम, ऐसे करते करते मैं श्लोक को सीखा। फिर यहाँ पर उपदेशा मृत लिखा हुआ है, बाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा बेगम, मंदिर साफ करता था, बाज बेगम मनस क्रोध बेगम, बाज बेगम मनस क्रोध बेगम, ऐसे ऐसे करता था हाँ मंदिर साफ करते करते। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे उपदेश लिखा हुआ, मैंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज राय रामानंद संवाद महाप्रभु का राय रामानंद प्रश्नोत्तर गौरक्षण दास बाबा जी महाराज भारत जी महाराज ये सबका उपदेश को मैं मंदिर साफ करते 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 ये सारे उपदेश को मैंने याद करता था। इसी मंदिर में सबसे पहले मैंने इसी मंदिर में मैं सबसे पहले आया हूँ। अभी इसी रोड में अभी हम जब जाएंगे श्री जगदानंद पंडित का भजन कुटीर देखेंगे, जहाँ पर राधा गिरिधारी जिनकी इष्ट देव है, राधा गिरिधारी जिनकी इष्ट देव है, कहते श्री जगदानंद पंडित का एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रेम विवर्त, ये प्रेम विवर्त जिसको जैव धर्म में कथा आती है, जिसको बाबा जी महाराज रोज प्रेम विवर्त पढ़ते थे, इतना सुंदर ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, उसमें अद्भुत अगर रोज अगर हृदय को प्रेम रस में अगर कोई भिगाना चाहते, प्रेम रस में अपना हृदय को कोई डूबना चाहते हैं, वो रोज वो प्रेम विवर्त को पढ़ा करनी चाहिए। प्रेम विवर्त बंगला भाषा में मिलेगा, हिंदी बंगला भाषा सब भाषा में ये ग्रंथ मिलेगा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें जीव कैसे भगवान से भूला, कैसे ये माया में आया, कैसे जीव ये माया में फंसा हुआ, ये माया से निकलना चाहते तो कैसे निकल सकता है, वो सब बात उसमें बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ। बोले श्री जगदानंद पंडित की, इसलिए कहते वो और यहीं पर वो भजन करते थे रह करके। बोले इनकी दो तीन कथा हम सुन लेते हैं, कहते महाप्रभु के भक्त लोग जब बंगाल से यहाँ आते थे कोई खाली हाथों में नहीं आते थे, वो कुछ ना कुछ महाप्रभु के लिए लेकर के आते थे, यहाँ तक भी महाप्रभु शौच क्रिया के बाद में
जो हाथ जो मिट्टी करते हैं ना, हाथ हाथ जो साफ करते हैं, कहते हैं यहाँ तक तो उसको भी भक्त लोग लेकर आते थे, वहाँ की जो गंगा का मिट्टी है उसको सुखा करके और कपड़े से छान करके एकदम पाउडर बना करके लेकर आते थे, और करेला एकदम सुखा देते थे, करेला को सुखा करके, करेला को जो सूख जाता था है उसको भी लेकर के आते थे, मंगोड़े जो बड़ी है बड़ी मंगोड़े उसको भी लेकर के आते थे, महाप्रभु के लिए बड़े सुंदर सुंदर भक्त भक्त सब चीज बना बना करके महाप्रभु के लिए लाते थे। एक समय उन्होंने महाप्रभु दिन रात कृष्ण विरह में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ग्रोच ग्रोच बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु दिन रात कृष्ण विरह में है, कृष्ण विरह में उन्माद रहते थे, कभी दीवाल में नाच पीसते थे, कभी समुद्र में छलांग लगा देते थे, दिन रात कृष्ण प्रेम में रोया करते थे। इसलिए श्री जगदानंद पंडित उन्होंने बंगाल से जब आए, एक सुंदर मिट्टी के पात्र में जो ब्राह्मी तैल बड़े खुशबू है, शरीर में लगाने पर शरीर को सर पर लगाओ तो ठंडा कर देता है, ब्राह्मी तैल जो सर में लगाते हैं, इसलिए बहुत कष्ट से बंगाल से सिर पर रख करके एक महीना तक उसको सर पर रख करके लेकर के आए और गोविंद को दिए, बोले महाप्रभु को देना, महाप्रभु अपना सर में तेल को लगाते रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण विरह में दिन भर रोते रहते हैं। लेकिन महाप्रभु सन्यासी, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भाल ना खाइबे और भाल ना पड़ीबे, बोले तो बढ़िया बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, हाँ महाप्रभु कहते हैं, और ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे, हर समय योर माइंड अलवेज थिंकिंग से कृष्ण सेवा, अलवेज डूइंग कृष्ण सेवा, हर समय कृष्ण सेवा करना, क्योंकि अगर हम बढ़िया बढ़िया पहनते हैं ना, बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़े अगर बढ़िया बढ़िया पहने, फिर सोचते हैं फिर शीशा को सामने मिरर को सामने देखते रहेंगे हम कैसे लग रहे हैं, फिर और जब रास्ता में चलेंगे फिर देखेंगे ये आज इतने बढ़िया कपड़े पहने कोई देख रहा है कि नहीं, इधर उधर मन जाएगा, मन हमारी इधर उधर जाएगा, इसलिए मन भटकेगा, इसलिए मन इधर उधर भटकेगा। इसलिए महाप्रभु बोले सिंपल खाना और सिंपल पहनना और ज्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय भगवान की भजन कर, ये महाप्रभु की ये शिक्षा है। इसलिए महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु बोले अगर हम इतने बढ़िया बढ़िया तेल लगाएंगे जिसमें खुशबू आ रहा है, जब हम जाएंगे बड़ी खुशबू निकलेगा, देखेंगे कौन लगा, बोले सन्यासी लगा, बोले बाबा रे सन्यासी इतने बढ़िया तेल लगाता है, सन्यासी इतने बढ़िया तेल सन्यासी लगाता है, इसलिए लोग हमें फिर क्या बताएंगे। इसलिए जो महाप्रभु जगत शिक्षा देने के लिए बोले जो बढ़िया जो तेल है ना उसको जगन्नाथ मंदिर में दे दो, जगन्नाथ जी का दिया जलेगा, जगन्नाथ जी को आरती दिखाएंगे, जगन्नाथ जी की सेवा होगी। जब जगदानंद पंडित इतना सुने उनको बड़ा क्रोध आया, इनके बड़ा क्रोध आया और बोले मैं इतने कष्ट से बंगाल से लेकर आया हूँ और उस जगन्नाथ जी की सेवा में, महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु है, क्योंकि जगदानंद पंडित को बताइए सत्यभामा है, ये सत्यभामा की अंश से आए जगदानंद पंडित, इसलिए सत्यभामा कौन है, बोले ये राधा जी की अंश है, राधा जी की अंश है, राधा रानी कौन है जो कृष्ण को सेवा करती है, कृष्ण को आराधना करती है, कृष्ण सेवा करती है, इसलिए इसकी इतने क्रोध आया, उन्होंने इतना बड़ा जो मटकी था ना लेकर के गए और महाप्रभु सामने एक महीना से जो परिश्रम करके लाए उनको तोड़ देकर ना एकदम गुस्सा में आ गए और प्यार पटकती हुई, जैसे स्त्रियां मान करती है ना, प्यार पटकती हुई गए और एक घर पर अंदर में चले गए, अंदर से कुंडी लगा करके बस बैठ कर रोने लगे, मान कर
अभी महाप्रभु देखा बड़ा गड़बड़ी हो गया, अभी उनको मान को मनाना पड़ेगा, मान हो गया उसको मान मनाना पड़ेगा। अभी एक दिन नहीं खाए, दो दिन तक दरजा नहीं खोले, महाप्रभु देखा अगर जाएंगे ना अभी वो मानेगा नहीं, क्योंकि बहुत क्रोध किया, बहुत क्रोध में, इसलिए दो तीन दिन तक खाई नहीं। अरे महाप्रभु आए, महाप्रभु दरवाजा खटखटा, बोले जगदानंद आज मैं समुद्र में स्नान के लिए जा रहा हूँ, स्नान के बाद में आज तेरे घर में आज मेरा भोजन है, तेरे घर में भोजन, आज खाना मेरे लिए बना कर रखना। अभी दो तीन दिन से मान करके बैठे हुए, और महाप्रभु बोले तुम्हारे घर में खाना खाएंगे है? जब महाप्रभु बोले तुम्हारे घर में खाना खाएंगे, अभी उन्होंने तीन दिन से खाना नहीं खाए, जल्दी जल्दी उठे, स्नान किया, भगवान खाएंगे मेरे घर में आ रहे, इसलिए उन्होंने मान पान तोड़ दिए, मान पान तोड़ दिए, मान तो इनके लिए किया था ना, मान को तोड़ दिए, क्यों? भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा बड़ा, अपना मान बड़ा नहीं, भगवान की सेवा जीवन में बड़ी होनी चाहिए, भगवान की सेवा, इसलिए गए। बड़े सुंदर उन्होंने खाना बनाए, बड़े सुंदर खाना बनाए, महाप्रभु दाल भात साग सब्जी बनाए, और जो महाप्रभु आए और महाप्रभु के लिए सुंदर पत्र बोले, महाप्रभु बोले नहीं मेरे अकेला प्लेट नहीं, और एक प्लेट लगा तुम्हारा लिए, पहले तुम खाओगे बाद में मैं खाऊंगा, इसलिए फिर प्लेट लगाए। जब प्लेट लगाने के लिए बोले, नहीं पहले आप खाओ, आप जो प्रसाद छोड़ दोगे वो प्रसाद को मैं खा, इसलिए प्रभु आप पहले खाओ। तो महाप्रभु प्रसन्न होकर के महाप्रभु भोजन किया, भोजन के बाद में फिर महाप्रभु बैठा कर, बैठ करके महाप्रभु उनको बोले तुम खाओ, आज मैं देखना चाहता हूँ, तो खाओगे फिर मैं यहाँ से जाऊंगा है। पर महाप्रभु अपना सामने उनको पेट भर करके, तीन दिन तक भोजन नहीं किया था है, पेट भर करके उनको भोजन करवाए, फिर महाप्रभु गए। हाँ देखो महाप्रभु अंदर में कितने दया है, मान भी कराए इनके लिए, फिर उनको मान को भी मनाया इन्होंने, महाप्रभु ने मान को मनाया, बोले इसी यही पर है। कहते श्री सन और के शिक्षा दिए हैं, जब श्री सनातन गोस्वामी है इन्होंने जब सब कुछ छोड़ करके, पहले सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर पद को जब सनातन गोस्वामी छोड़ करके यहाँ पर आए, और चलते चलते प्राइम मिनिस्टर थे, पहले उनको जेल में बंद कर दिया था राजा है, आते 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 ना उनका शरीर सारा शरीर में खुजली हो गई, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडू रोग, खुजली कंडू रोग हो गया है, जिसको करने पर उसमें पस निकलता है, उससे निकलता है पानी निकलता है, और कड्डू रस हो गया उसको। लेकिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बारंबार प्रणाम करती है, आलिंगन करते हैं, बारंबार महाप्रभु आलिंगन करते हैं, किसने बोले महाप्रभु सनातन गोस्वामी दूर भागते हैं, प्रभु आपका शरीर में ये गंदा चीज मेरे शरीर में खुजली हो गई, ये गंदी चीज लग जाएगी प्रभु, महाप्रभु को दूर, महाप्रभु उनको, महाप्रभु सनातन गोस्वामी महाप्रभु से दूर रहते हैं, लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्त उनका आलिंगन करते हैं। बोले क्यों, कारण किया, बोले कारण बताए, बोले वैष्णव का जो शरीर है वो अपराकृत है, हमारा जैसे शरीर नहीं, दीक्षा काले सही करे आत्मसमर्पण है, जब गुरुदेव, जब गुरुदेव के चरण में शिष्य आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान के चरण में भगवान उसको सही काले करे तार चितानंदमय, भगवान उसको शरीर को, जैसे भगवान का शरीर अपराकृत है, भक्त का शरीर भी अपराकृत हो जाता है, दिव्य हो जाता है, और विशेष करके सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी राधा जी की नित्य परिकर है, हैं? इसलिए वैष्णव का शरीर दिव्य है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान मुझे टेस्ट परीक्षा कर रहे हैं। बोले क्या परीक्षा कर रहे हैं, बोले ये वैष्णव का शरीर में अगर तुमने पस देख करके है, उससे पस निकल रहा है, खुजली है, अगर मैं घृणा करता हूँ, अरे वैष्णव का शरीर में ये गंदी चीज है, हम आलिंगन नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, महाप्रभु कहते हैं भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, तुम क्या करते हो, वैष्णव अपराकृत है, अगर आलिंगन नहीं करेंगे ना ये वैष्णव अपराध होगा, महाप्रभु कहते वैष्णव अपराध होगा, भगवान हमें परीक्षा कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वैष्णव का पर तुम्हारी बुद्धि कैसे है, महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर से मेरे को कर्पूर अगूर चंदन की खुशबू आ रहा है, महाप्रभु कहते सनातन अपराकृत दिव्य शरीर है। इतने में सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को बोले, बोले महाप्रभु मेरे को जोर जबरदस्ती हमें आलिंगन करते नहीं चाहने पर भी,
जगदानंद पंडित बोल दिया एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ, अपराध हो जाएगा। लेकिन ये बात जब श्री महाप्रभु को कानों में पड़ा, महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए, बोले जगा, महाप्रभु कहते हैं जगा, जगदानंद बोले जगा, तुम कल का है, जानते हो ये सनातन गोस्वामी कौन है? सनातन गोस्वामी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये लवंग मंजरी, ये प्राइम मिनिस्टर बुद्धि में बृहस्पति से भी ज्यादा बुद्धि का है। तो कल का होकर के सनातन गोस्वामी को तुम उपदेश दे रहे हो, तू चले जा यहाँ से। बड़ा उनको शासन किया। देखो यहाँ पर एक बढ़िया शिक्षा दिया है। इतने में श्री सनातन गोस्वामी को जब ये बात पता चला, सनातन गोस्वामी कहते देखो महाप्रभु तुम्हें कितने प्रेम करते, कहते एक पिता किसको शासन करता है? अपना बेटे को। वो किसी बाहर व्यक्ति को शासन नहीं करेगा, अपना बेटे को ही शासन कर सकता है, हैं? बाहर व्यक्ति को शासन नहीं करेगा। सनातन गोस्वामी कहते तुमको तो मेरे को तो नीम रस पिला रहे महाराज महाप्रभु, तुमको अमृत पिला रहे। बोले क्यों? बोले तुमको शासन कर रहे, तुमको शासन कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर कभी गुरु वैष्णव हमें कोई शासन वाक्य बोलते हैं उसमें सुखी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दुखी नहीं होनी चाहिए। अरे हमको उसी वैष्णव ने हैं कहते हमें, हरे कृष्ण, कहते हमें उसी, हरे कृष्ण। इसलिए अगर कोई शासन करे तो नटवार की सुंदर गोपाल प्रभु की वन मोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओके कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, इसलिए अगर कोई वैष्णव हमें शासन करता है उसमें दुखी मत हो, उसमें प्रसन्न हो। देखो हमें वो अपना मानते हैं इसलिए हमें शासन किया। अगर किसको पराई माने ना उसको शासन नहीं करेंगे। बोले उससे क्या मतलब? वो जो करे मरे, जो कुछ कर रहे करने दो मरने दो, उसको बोले कि नहीं। लेकिन जिसको प्यार करते हैं उसको शासन करते हैं, उसको शासन उसको करते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं वैष्णव का शासन को सर नीचा करके ग्रहण करनी चाहिए, कभी क्रोधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे नेचर किया, अगर हमारा कोई बड़ाई करेगा ना हम तो बड़े खुश हो जाते हैं, हमें खुश हो जाते हैं बड़ाई करने पर। और थोड़ी सी अगर कोई शासन कर दिया ना हमारा मन खराब हो जाता है, अरे सबको सामने हमको ऐसे बोल दिया, हमको ऐसे बोल दिया। नहीं, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्री जगदानंद पंडित ही श्रीमन महाप्रभु को, श्री अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बुलाया इस जगत में। अभी सोच रहे हैं जिसको बुलाया उनको विदाई देनी चाहिए। तब इसी जगदानंद पंडित जब गए थे बंगाल में, अद्वैत आचार्य इनको बुलाया और एक प्रहल लिख करके दे दिया। आउल के कहियो बाउल, हाटे ना बिकाए चाउल। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जगदानंद पंडित को एक पत्र लिख करके, बोले ये पत्र दे देना श्री चैतन्य महाप्रभु को, ये लेटर दे देना, बोल देना एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है। बोले क्या है? बोले प्रभु आप इसी जगत में जो प्रेम को देने के लिए आए थे, कभी ये प्रेम ऑलरेडी सबको दे चुके हैं, ये प्रेम सबको दे चुके हैं, अभी दुनिया में ये प्रेम नहीं बिक रहा है, दुनिया में ये प्रेम नहीं बिक रहा है, अगर आप चाहते हो तो आप ये संसार छोड़कर जा सकते हो, हैं? तो उन्होंने महाप्रभु जो ये पत्र को दिखे ना, महाप्रभु गंभीर हो गए और जितने भक्त लोग थे, हैं? जितने भक्त लोग थे बोले क्या पत्र, महाप्रभु बड़े गंभीर हो गए। फिर महाप्रभु धीरे 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 एकदम जिस भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे उसी भाव में महाप्रभु एकदम डूब गए और
बस और इस जगत छोड़कर महाप्रभु चले गए हैं। और इसी रोड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसी रोड में रहते थे, हम जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते यही पर रहते थे, और श्री स्वरूप दामोदर के पास में जाएंगे, स्वरूप दामोदर यही रहते थे, स्वरूप दामोदर यही से रोज गंभीरा जाते थे महाप्रभु के पास में है। और रात भर महाप्रभु के साथ में वो प्रेम रस को डिस्कशन करते थे। और जब स्वर्ग दामोदर जब वापस आते थे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रश्न करते थे, आज महाप्रभु के साथ में आपका क्या वार्तालाप हुई है, आप आपस में क्या चर्चा आपने किया है। और श्री स्वर्ग दामोदर भी अपना कर्चा में लिखते थे इसी में, और रघुनाथ दास गोस्वामी सुन करके वो भी नोटबुक करते थे। इसलिए जब इनकी ग्रंथ स्वरूप दामोदर और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे थे ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी ग्रंथ को लेकर उन्होंने चैतन्य चरितामृत बनाया। चैतन्य चरितामृत इन्हीं ग्रंथ से ही उन्होंने चैतन्य चरितामृत उन्होंने इसी ग्रंथ से ही उन्होंने बनाया है। इसलिए कि जो रोड है ना, यहाँ पर श्री ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु का सन्यासी यहीं पर निवास करते थे। इसी रोड में श्री भक्ति विनोद ठाकुर भजन किया है। इसलिए जो स्थली में हम जहाँ पर बैठे हैं ना, ये स्थली प्रभुपाद का, सारे भक्त लोग यहाँ आते थे, प्रभुपाद का सारे भक्त लोग यहाँ आते थे। इसलिए जो स्थान है अत्यंत अत्यंत पवित्र, ये स्थान है, ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र है। अभी हम जाते समय ये सब दर्शन करते करते जाएंगे। विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नित लीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज की जय। द डिसिपल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है ना, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के डिसिपल, मतलब निदलीला प्रविष्णशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सबरीकर गौर हरि की जय। सबरीकर प्रभुपाद की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री भक्ति प्रणत मुनि महाराज की जय। मुनि महाराज एक आसन भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज की जय। यू नो ही इज द माय सीनियर गॉड ब्रदर, यू नो ही इज द ही इज द माय सीनियर गॉड ब्रदर, यू नो ही इज द माय सीनियर गॉड ब्रदर। व्हेन आई केम दिस टेंपल, यू नो माय गुरुदेव, you know he doing so much service this temple, you know when this built this temple, this maharaj doing so much hard work for this temple, so much hard work. So my gurudev he gave to him sannyasi when he is age only 22 when his age is the 22 age, then my gurudev he give to sannyas to the maharaj. Why? He is the first sannyasi. He is the among the all sannyasi last time Gurudev he gave sannyas to him. How many my Gurudev disciple sannyasi? So you know he is a very young age. He coming to this temple and doing he know so many slokas he remembering, doing so much service to Gurudev. So only 22 age, you know. Maybe are any Gaudiya mutt, maybe anybody cannot accept 22 age, nobody is sannyasi. Anybody came to sannyasi. So why my Gurudev, he came to only 22 year, that time why he came to sannyasi? He doing so much service, you know. He doing so much hard work, so much blood service he did. So my Gurudev is so pleased to him, so he gave to sannyas to him. Now Maharaj, now he then. So when I am kept this temple,
when I am coming to this temple, that time I very young age, maybe 14 age, I am 14 age. No, that time. Maharaj is saying the short pants. Why that time my age very small age. So Maharaj, you know, I am staying guidance of Maharaj. Also another Maharaj here, Bhakti Rajana Sagar Maharaj, Bhakti Sambhala Puri Maharaj, also they are staying here also. So Maharaj, they are giving so much love affection to me. No? They are giving so much love affection to me. I am staying guidance of Maharaj. I am how many years stay guidance of Maharaj? I am staying here. After then I am temple Mathura. After Maharaj, you know, there are nice building. This building behind very nice building. Maharaj renew this all thing, making some new. Now before when I came to Western devotee, before also one time I stay here. Now whole temple now we coloring the whole temple. So Maharaj, when I came there, that time our temple is a very famous name, you know. If Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj told, you know, I make a very such beautiful temple. When anybody guest come temple, they must come into this temple. And if did not take darshan of this temple, they are thinking my darshan is not complete. You know? They are thinking, so this is the desire of Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj. And my Gurudev fulfilled desire. And now after Maharaj, now looking everything. Maharaj now Guru Maharaj. Plus Maharaj name is the Bhakti Pranat Muni Maharaj. Plus Bhakti Pranat Muni Maharaj. Sridhar Maharaj ki jai. So okay, now we will go to Gurudev.